नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर। तो अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट डिस्कशन के साथ लाइव क्लास के रूप में दिया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक भी प्रश्न का उत्तर गलत न हो तो डेली लाइव क्लास से शाम 7 बजे जरूर जुड़ें। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज के क्लास में हम लोग हिंदी का देखने वाले हैं और हिंदी का पार्ट 19 है। ध्यान देंगे, हिंदी का पार्ट 19 है जिसमें चैप्टर मछली, चैप्टर का शीर्षक नाम है मछली। इसका आज पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। तो ये रहा आप लोगों के सामने आज के क्वेश्चन 1 जो इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 11 है। कहा जा रहा है विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ। 1970 में, 1971 में, 1972 में या 1973 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर जरूर दें। आप लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं, वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन है उससे जुड़ जाएं और सभी प्रश्न का उत्तर जरूर दें। इस तरह से आप लोग उत्तर देंगे तो यह क्लास एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की तरह हो जाएगा, इसलिए आप लोग प्रयास जरूर करें। सभी लोग बताएं विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखेंगे बाबू। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। जो भी स्टूडेंट इस क्लास को बाद में देख रहे हैं, लाइव क्लास से नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे क्योंकि लाइव चैट का ऑप्शन सिर्फ लाइव क्लास में ही रहती है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है मछली से कौन डर रहा था, संतु, भग्गू, कथाकार की माँ या कथाकार की बहन। अगर इस कहानी को आप पढ़े हैं अच्छी तरह से तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी पूर्वक दे सकते हैं। बताएं बाबू, मछली से कौन डर रहा था। चलिए बहुत बढ़िया, प्रयास करें इसी तरह से, कुछ लोग का उत्तर सही आ रहा। चलिए याद रखेंगे, मछली से कौन डर रहा था, संतु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। याद रख रहे हैं, मछली से कौन डर रहा था, संतु। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था। किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था। नीचे दबी हुई मछली की, तैरते हुए मछली की, छोटी मछली की या सबसे बड़ी मछली की। बताइए कि किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था। बहुत ही महत्वपूर्ण और VVI क्वेश्चन है, यह प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए सब लोग ध्यान से दें इस प्रश्न का उत्तर। चलिए प्रयास करें और जितने भी लोग देख रहे हैं इस प्रश्न को और इस क्लास को, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो याद रखेंगे, किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था। तो नीचे दबी हुई मछली की आंखों में, याद रखेंगे, नीचे दबी हुई मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। कहा जा रहा है किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती। किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती। जीवित मछली, मृत मछली, तैरती हुई मछली, रोहू मछली। बताइए बाबू, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती। बहुत बढ़िया, याद रखेंगे मृत मछली।
मृत मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार इस क्लास से जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है मसाला कौन पीस रही थी, मसाला कौन पीस रही थी? लेखक की बहन, लेखक की माँ, लेखक की दादी या लेखक की बुआ? बताइए बाबू मसाला कौन पीस रही थी? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, प्रयास करें उत्तर देने का। हम लोग जो चैप्टर देख रहे हैं हिंदी का, उसके शीर्षक का नाम है मछली। तो बताइए बाबू मसाला कौन पीस रही थी? बहुत बढ़िया, याद रखेंगे मसाला लेखक की माँ पीस रही थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। कहा जा रहा है बाबू नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? निबंध, कहानी, नाटक या उपन्यास? बताइए नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए याद रखेंगे नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? तो नौकर की कमीज उपन्यास, याद रखेंगे उपन्यास विद्या की रचना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। कहा जा रहा है बाबू कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी? कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी? एक, दो, तीन या चार? बताइए सभी लोग कि कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी? एक मछली मरी थी, दो, तीन या चार? बताइए बाबू। क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया, याद रखेंगे जब कथाकार के पिताजी मछली खरीद रहे थे तब एक मछली मर गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन ए। आप लोगों का आज क्लास पहला है इस चैनल पे, तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग भी हमें सपोर्ट करें ताकि इसी तरह से डेली लाइव क्लास शाम 7 बजे आप लोग के लिए लेकर आते रहें, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे क्या एक मछली पिताजी से मांग लेंगे, तीनों मछलियों को पिताजी से मांग लेंगे, सभी मछलियों को खा जाएंगे या सभी मछलियों को कार में डाल देंगे? बताइए क्या सोच रहे थे लेखक रास्ते में मन ही मन? क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर क्या होगा? लेखक रास्ते में मन ही मन क्या सोच रहे थे? तो याद रखेंगे बहुत बढ़िया, अगर इस कहानी को आप लोग पढ़े हैं तो सभी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, पूरी विश्वास है आप लोगों से। इसलिए अगर जो भी स्टूडेंट इस कहानी को नहीं पढ़े हैं तो पहले इस कहानी को बढ़िया से पढ़ ले बाबू, उसके बाद इस वीडियो को, इस क्लास को एक बार जरूर देखें, उसके बाद अपना उत्तर दें। याद रखेंगे लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे कि एक मछली पिताजी से मांग लेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। कहा जा रहा है बाबू कौन ठंड से कांप रहा था, कौन ठंड से कांप रहा था? कथाकार, संतु, भग्गू या कथाकार की बहन? बताइए कौन ठंड से कांप रहा था, कथाकार, संतु, भग्गू या कथाकार की बहन? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है इसलिए ध्यान देंगे। बताइए कौन ठंड से कांप रहा था? चलिए याद रखेंगे कुछ लोग का उत्तर सही आ रहा है संतु है जो ठंड से कांप रहा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन बी। हम लोग हिंदी का पार्ट 19 देख रहे हैं जिसमें चैप्टर मछली का पार्ट 2 की चर्चा कर रहे हैं। इस चैप्टर से अभी और भी पार्ट है,
लगभग 40 से 50 क्वेश्चन इस चैप्टर से करवाएंगे, आज हम लगभग 20 से 25 तक डिस्कशन करेंगे बाबू, इसलिए आप लोग क्लास को अंत तक जरूर देखें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर बजा दें ताकि डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, कहा जा रहा किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी, किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी, अर्थात किसके ऊपर रखकर मछली को काटते थे, पत्थर के ऊपर, लोहे के ऊपर, पाटे के ऊपर या चौकी के ऊपर, बताइए किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर क्या होगा, बहुत बढ़िया, पाटे के ऊपर, बहुत बढ़िया, याद रखेंगे पाटे के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, कहा जा रहा बाबू किस घर में मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता था, किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था, पिताजी को, भगु को, लेखक को या माँ को, बताइए किसे घर में मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता था। क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर क्या है, बहुत बढ़िया, इसी तरह से प्रयास करते रहे बाबू, माँ को, माँ को घर में मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी, याद रखेंगे माँ को घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आज का यह लास्ट क्वेश्चन है, एक चैप्टर से भी और भी प्रश्न है आज की क्लास के लिए, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कहा जा रहा है मछली, जो चैप्टर से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो कहा जा रहा है मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल की किस कहानी संग्रह से ली गई है, मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है, पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, मानसरोवर, कोठरी की बात, बताइए आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी लोग बताएं बाबू कि मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है, लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग जरूर करें इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखेंगे महाविद्यालय, महाविद्यालय कहानी संग्रह से ली गई है मछली शीर्षक कहानी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और कितने प्रश्न का उत्तर आज के क्लास में आप लोगों का सही हुआ, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट लाइव क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक, जो भी स्टूडेंट आज पहली बार इस क्लास से जुड़े हुए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।